दोस्तों सब्सक्राइब कर लें टेक प्ले यूट्यूब चैनल को और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर दें लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली आबिद और आप देख रहे हैं टेक प्ले उर्दू यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपके सामने जेल ब्रेक के बारे में प्रैक्टिकल करके बताऊंगा कि हमने अपने iOS को जेल ब्रेक किस तरह करना है। आज मैं जिस फ़ोन को जेल ब्रेक करने जा रहा हूँ वो है iPhone 5 और उसमें जो iOS का वर्जन इंस्टॉल्ड है 10.3.3। तो ये जो मैं आपको जेल ब्रेक बताऊँगा वो सिर्फ 10.3.3 के लिए बता रहा हूँ, 10.1 से लेकर 10.3.3 तक, और जो 32 बिट डिवाइसेज हैं खाली। जहन में रखिए 32 बिट डिवाइस आपके होना लाजमी है, जो कि 10.1 से 10.3.3 के बीच में जो आईओएस के डिवाइसेज हैं ये उनके लिए जेल ब्रेक है। तो आइए शुरू करते हैं और हम देखते हैं कि किस तरह हमने जेल ब्रेक करना है। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं बहुत सारी ट्रिक्स टिप्स इस तरह की चीज़ें आपके सामने लेकर आता रहता हूं जिससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा हो सकता है। तो आइए बगैर वक्त को वेस्ट किए हम देखते हैं हमने क्या करें। देखिए इसके लिए आपको एक सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ेगी जिसका नाम है H3lix। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसी सॉफ्टवेयर के थ्रू हमने अपनी 32 बिट 10.3.3 iOS डिवाइस को जेल ब्रेक करेंगे। तो और साथ ही आपको एक सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ेगी जिसका नाम है iOS इंस्पेक्टर। इसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब आपने करना क्या है, जब आप इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर लेंगे आपने इसको ओपन करना है और जो ये फाइल है आपकी, जब आप इसको डाउनलोड कर लेंगे, मैंने इसको पहले से डाउनलोड किया हुआ है, आपने इसको ड्रैग करके इसके अंदर ड्रॉप करना है जो आपने अभी सॉफ्टवेयर ओपन किया है। ये आपसे आपकी एप्पल की आईडी वगैरह मांगेगा, आपने यहाँ पर लॉग इन कर देनी है आपकी एप्पल की जो भी आईडी है। और फिर आपने यहाँ पर अपने एप्पल आईडी का पासवर्ड डाल दे रहे हैं। अच्छा, अब अगर आपका ये एरर देता है आपके एप्पल आईडी के पासवर्ड से तो ये कह रहा है ऐप स्पेसिफिक पासवर्ड आपने एंटर करना है, अपने ऐप अपने जो नॉर्मल पासवर्ड होता है आपने वो एंटर नहीं करना। उसके लिए आपको अपने एप्पल पर लॉगिन करना पड़ेगा जिस तरह मैं लॉगिन कर रहा हूँ। अब आपको ये टू वे वेरिफिकेशन मेथड मैंने लगाया हुआ है, हो सकता है आपने भी लगाया हो। जब आप इसको लॉगिन कर लेंगे उसके बाद मैं आपको बता दूँ कि आपने वो पासवर्ड कहाँ से जनरेट करना है जो कि वो हमें बोल रहा है। तो ये मैं अपने एप्पल के अंदर लॉगिन हो चुका हूँ। सिंपल, आपने यहाँ पर एक लिखा होगा जनरेट पासवर्ड सिक्योरिटी के अंदर, आपने इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर कोई भी एक नाम दे दें। ये नाम आप कुछ भी दे सकते हैं। इसके बाद जो पासवर्ड आएगा ये आपने कॉपी कर लेना है और इसको मैं दोबारा एक बार स्टार्ट करता हूँ ड्रैग ड्रॉप करके, क्योंकि वो फेल हो गया हमारा प्रोसेस पासवर्ड गलत डालने की वजह से। वो फिर मुझसे आईडी मांग रहा है और मैं अपनी आईडी यहाँ पर डाल देता हूँ और पासवर्ड अब जो मैंने कॉपी किया है उसको मैंने पेस्ट कर दिया। और आपका फ़ोन आपका पीसी के साथ लाजमी कनेक्ट होना है इसके थ्रू, क्योंकि ये फाइल ट्रांसफ़र कर रहा है हमारी, इस फाइल को मोबाइल के अंदर ट्रांसफ़र कर रहा है, iOS के अंदर ट्रांसफ़र कर रहा है। तो अभी इसको ट्रांसफ़र हम होने देते हैं। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। आपने ये सॉफ्टवेयर सबसे पहले डाउनलोड करना है सीडिया इंपेक्टर, और वो सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है जिसके थ्रू हमने जेल ब्रेक करना है जिसका नाम है H3lix। दोनों की मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आपने उसके बाद सीडिया इंपेक्टर को ओपन किया, उसमें फाइल को ड्रॉप किया H3lix को, वो आपसे एप्पल का आईडी मांगेगा और फिर पासवर्ड जो कि मैंने अभी आपको बताया कि आपने कैसे जनरेट करना है। अब जब ये लिखा आ जाएगा जनरेटिंग एप्लीकेशन मैप, इसका मतलब है कि फाइल ट्रांसफर हो चुकी है। हो चुकी है तो हम उसको ओपन करके देखते हैं। तो दोस्तों आप देख रहे हैं मेरे सामने मेरा एप्पल आईफोन 5 आ चुका है और मैं इसका आपको वर्जन सबसे पहले दिखा देता हूँ कि इसका वर्जन क्या इंस्टॉल्ड हुआ हुआ है। मैं जनरल के अंदर जाता हूँ, जनरल के अंदर अबाउट के अंदर जाता हूँ और अबाउट के अंदर जाकर आप देख सकते हैं 10.3.3 ये जो वर्जन है 10.3.3 इसमें इंस्टॉल्ड हुआ हुआ है। तो सबसे पहले उसके बाद फिर आपने क्या करना है, ये देखें ये फाइल हमारे पास यहाँ पर आ चुकी है लेकिन ये ओपन नहीं होगी, इसकी परमिशन को हमने सबसे पहले इनेबल करना है। हम सेटिंग में जाएंगे, सेटिंग के बाद आपने यहाँ पर जनरल में आना है दोबारा। जनरल में आने के बाद आप नीचे आएंगे तो डिवाइस मैनेजमेंट लिखा होगा, आपने जिस आईडी से लॉगिन वो फाइल डाली है यहाँ पर एक नाम लिखा आ जाएगा, आपने सिंपल इसको ट्रस्ट कर देना है।
मैंने इसको ट्रस्ट कर दिया। ट्रस्ट करने के बाद ही ये एप्लीकेशन मेरे पास अलाउ हो जाएगी कि मैं इसको ओपन कर सकूं। इस पर मैंने क्लिक किया। इस पर क्लिक करने के बाद जेल ब्रेक के ऊपर मैंने यहाँ पर क्लिक कर दूंगा, और जैसे जेल ब्रेक के ऊपर मैं क्लिक कर दूंगा इसका प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, जो कि जेल ब्रेक का प्रोसेस है। थोड़ा सा आपका टाइम लेगा, कोई ज़्यादा टाइम नहीं लेगा, स्टोरेज ऑलमोस्ट फुल लिखाएगा, आपने इसको डन कर देना है। थोड़ा इसको टाइम देना पड़ेगा, मैं तब तक वीडियो फॉरवर्ड कर देता हूँ। अब आपका फ़ोन थोड़ा सा, एक तरह का थोड़ा सा टाइम लेगा, यहाँ पर लोडिंग वगैरह होगी, और आप जैसे ही देखेंगे हमारे पास सीडिया आ चुका होगा। सीडिया क्या है इसके बारे में मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा कि सीडिया असल में होता क्या है, जेल ब्रेक की टाइप कितनी होती है, ये भी मैं आपको थ्योरी में एक बार बता दूंगा अलग से वीडियो बना के। आज की इस वीडियो में हम सिर्फ प्रैक्टिकल देख रहे हैं। थोड़ा सा आपका टाइम लेगा ये, क्योंकि हमने जेल ब्रेक किया है डिवाइस को, आपको थोड़ा सा सब्र यहाँ पर वेट करना पड़ेगा। तो देखिए अब जैसे मैंने पासवर्ड अपना डाला, यहाँ पर हमारे पास सीडिया आ चुका है। सीडिया को मैं ओपन करता हूँ। ये देखिए हमारे पास कंप्लीट जेल ब्रेक हमारा फ़ोन हो चुका है। अब हम ट्विक्स वगैरह इंस्टॉल कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, जो कि एप्पल की रिस्ट्रिक्शंस थी वो अब यहाँ पर ख़त्म हो गई है। साथ ही इसकी सिक्योरिटी भी ख़त्म हो गई है। इसको अन जेल ब्रेक कैसे करेंगे वो भी मैं एक अलग से वीडियो में बता दूंगा, कि अगर आपने जेल ब्रेक को हटाना हो थोड़ा सा लंबा प्रोसेस होगा, लेकिन वो भी मैं आपके सामने शेयर कर दूंगा। आज की इस वीडियो में इतना ही। सबसे पहले आपने सोर्सेज पर क्लिक करना है, ये पहले सोर्सेज को रिफ्रेश करेगा ताकि कोई प्रॉब्लम वगैरह ना आए। यहाँ पर आपके सामने कोई ना कोई एरर दे सकता है, इनकी फिक्र मत कीजिए, ये बिल्कुल ना होने के बराबर है। आपके जब सामने जब ये ऑप्शन आ जाएगा, आपने कंप्लीट अपग्रेड के ऊपर क्लिक कर देना है, कंफर्म कर देना है, और ये थोड़ी सी फाइल इसकी इंस्टॉल हमारे सामने करेगा। सीडिया जो खुद एक ऐप का स्टोर है जिसमें सारी जेल ब्रेक्स ऐप मौजूद होती हैं, उसको ये अपग्रेड कर देगा लेटेस्ट वर्जन के ऊपर। थोड़ा सा आपको यहाँ पर वेट करना पड़ेगा, छोटा सा प्रोसेस है, इंशाल्लाह जल्दी हो जाएगा। दोस्तों मैं आपको बताता चलूंगा, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर लाजमी कीजिएगा, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आप कोई मुझे कोई एरर वगैरह आपका आता है तो मुझे आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं उसको ज़रूर सॉल्व कर दूंगा। उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूँ कि जब आप ये सारा प्रोसेस कर रहे होंगे, आपको लाजमी सबसे पहले अपने iOS का बैकअप लेना लाजमी पड़ेगा। बैकअप किस तरह लेते हैं वो भी मैं आपको अलग से वीडियो में बता देता हूँ। बैकअप लाजमी लेना है, बैकअप के बगैर बिल्कुल भी ये प्रोसेस मत कीजिएगा। आप वैसे तो आप लोगों को पता होगा कि अगर आप जेल ब्रेक करते हैं तो उसके लिए बैकअप लेना लाजमी होता है, कि इन केस अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो आप अपने आईफोन को रीस्टोर दोबारा कर सकें। अब ये लोडिंग यहाँ पर हो रही है और हमारा तकरीबन तकरीबन काम पूरा हो चुका है। अब हम दोबारा सीडिया के अंदर आते हैं और ये फुल एप्लीकेशंस सीडिया को अप टू डेट कर चुका होगा। सोर्सेज के अंदर आते हैं। जी जनाब, तमाम सोर्सेज हमारे इंस्टॉल हो चुके हैं, हम रिफ्रेश भी एक बार करके देख लेते हैं। तो जी बिल्कुल, हमारा सोर्सेज बिल्कुल ठीक तरह से काम कर रहा है, हमारा सीडिया बिल्कुल ठीक तरह से काम कर रहा है। आपको अगर आप इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा। मैं ये एरर आपके सामने आ सकता है, ये कोई इतना इंपॉर्टेंट एरर नहीं है, आपने रिटर्न टू सीडिया पर क्लिक कर देना है और आपका सीडिया सही तरह इंस्टॉल हो चुका है, यानी कि आपका आईफोन जेल ब्रेक हो चुका है। कुछ चीज़ें जहन में रखनी है वो मैं आपको फिर बता देता हूँ, कि आपने iOS का अपना लाजमी बैकअप लाजमी लेना है, बैकअप कैसे लेते हैं वो भी मैं अलग से वीडियो में बता दूंगा। और साथ ही इसके बाद आपकी गारंटी जो होती है, वारंटी वो ख़त्म हो जाती है आईफोन की, अगर आपको गलती वगैरह कर देते हैं आप वारंटी को, अगर आपका फ़ोन वारंटी में है तो आप उसको क्लेम नहीं कर सकते। और इसको दोबारा से जेल ब्रेक को ख़त्म किस तरह करना है वो भी मैं आपको बता दूंगा। और ये जेल ब्रेक मैंने iOS 10.3.3 के ऊपर किया, जो कि एक 32 बिट डिवाइस है, iOS आईफोन 5 की। तो मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, गुड बाय, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।